हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सीटेट 2019 8 दिसंबर 2019 का जो पेपर हुआ है, इसमें हम आपको मैथ का पोर्शन बताएंगे। यह फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पेपर का दिया जा रहा है। अगर आपको और शिफ्ट के पेपर के चाहिए और पार्ट चाहिए, यानी कि CDP या EVS या हिंदी, तो आपको इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। कृपया जाकर वीडियो देख लें और आपको फुल आंसर की भी इसी वीडियो में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसी प्ले लिस्ट पढ़ा हुआ है, उससे भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मैथ सीटेट 2019 8 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए प्रश्न बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, इसमें आपका जो खंड आता है वो आपका मैथ का आता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मैथ का पोर्शन बताते हैं। मैथ का पोर्शन सीटेट 2019 8 दिसंबर का पेपर है। इसमें मैं आपको जो उत्तर बता रहा हूँ मैथ का, वह इसमें हम आप प्रश्न पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसमें आपको उत्तर हम जल्दी जल्दी बताना कोशिश करेंगे, जिससे वीडियो लंबी ना खींचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं मैथ का। तो मैथ का जो प्रश्न आप सबके लिए है वह है कि तीन ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12, 24 हैं, और इसका जो देख लें प्रश्न, अब मैं इसका उत्तर बता देता हूं। 31 का जो आपको उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, इसमें चार नंबर सही है, देखें इसका उत्तर हो जाएगा A 12, B 10 और C 5, ठीक है। अब 32 नंबर प्रश्न देखें, वह दिया गया है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर चार बराबर भाग में विभाजित किया गया है और प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसमें जो 32 का हो जाएगा दोस्तों, तो 32 में एक नंबर आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अगर आपने किया है तो आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, 33 नंबर प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें चार कथन दिया गया, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा, ये आपका पहला वाला कथन सही नहीं है, जिसमें दिया गया है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न उसको हम देख लेते हैं, वह दिया जा रहा है आप सभी के लिए दोस्तों, वो 34 नंबर है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक समस्ताओं को विभाज्य होगी, तो कौन सी होगी दोस्तों। तो 34 का आपका हो जाएगा चार नंबर सही है, 25, 20। अगला प्रश्न वह है 35 नंबर, आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और ₹1.60 दिए, जो प्रश्न है 35 का, तो 35 जब उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर एक सही होगा, क्रमशः 18 और 7 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, वह देखिए दोस्तों, 36 नंबर दिया है कि इसमें दिया है और इसमें मान पूछा गया है, तो इस मान ज्ञात करने के लिए दिया गया 17.5 × 3 − 21 + 7 − 7 − 3 × 12.5। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 36 का, 36 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 12 इसमें उत्तर आएगा, अगर आपने किया तो सही है, ठीक है। अगला प्रश्न 37 नंबर देखें, वह दिया गया है, इसमें एक बाघ के वृक्षों की नियम वृक्षों की संख्या है इसमें, और इसमें पूछा है 37 का प्रश्न देख लें आप, इसका जो 37 का जो उत्तर होगा आपका दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी आपका 10 आएगा उत्तर, ठीक है, ठीक है। इसमें यूके लिप्टस की वृक्षों के कितने हैं ये पूछा गया, तो इसमें आपको उत्तर 10 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 7:30 बजे चलती है, तो इसका जो कुल समय यात्रा का समय पूछा है, तो 38 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा 38 में आपका 4 सही है, 40 घंटे 15 मिनट, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न उसे देखें, वह है 39 नंबर, उसमें दिया गया निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो 39 नंबर का है जिसमें व्यवस्थित किया गया है, 39 का 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 85 mm और 80 dm, ये आपका उत्तर नंबर 4 सही है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न दिया जाएगा, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि इसकी लंबाई क्या होगी, और इसकी जो आयत की चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका 40 का, 40 का उत्तर हो जाएगा आपका 2, 60 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है दोस्तों, आपका ये उत्तर सही है। 41 नंबर प्रश्न है, वह कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया है, तो इसमें बताया है कि अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, जो इसमें 44 जगह इन्होंने 404 लिख दिया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 41 का आपका 2 सही है, उन्हें मूर्त प्रदान पदार्थ से विनियम नियम समझाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न वह 42 नंबर, इसमें आपका उत्तर सही होगा, 42 का गणित की प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का प्रमुख प्रयोजन है, तो 42 का जो आपका उत्तर सही होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें ए और सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, ठीक। ए में जो दिया गया है वह उसमें ए में है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, और दूसरा है विषम को सरल और रुचिकर बनाना, ये आपका ए और सी सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, आपका 42 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न उसे देख लेते हैं, वह है 43 नंबर,
83 दिया गया। एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय के आज प्राथमिक विद्यालय की गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों 43 का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, ठीक है। अनुपात ये आपके उच्च कक्षाओं का होता है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं, इसमें दिया गया सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से, इसने जो प्रश्न दिया गया 44 का, तो 44 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखें तो पैमाना ग्राफ पे धागा टाइटल ये दिया गया है, तो इसमें आपका जो है दोस्तों 44 नंबर का, 44 नंबर में जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका दो सही है, बी और डी, ठीक है। बी और डी आपका हो जाएगा यानी कि ग्राफ पेपर और टाइटल टाइल, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं 45 नंबर, इसमें दिया निम्न में से गणित से में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, तो कौन सा जो दिया गया इसमें उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है दोस्तों, तो 45 का आपको तो उत्तर नंबर 4 सही है। ये 4 नंबर क्या है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं 46 नंबर, वह यह समझाने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है, इसमें जो है योजना सबसे अधिक कौन सी प्रयुक्त आएगी, तो ये इसमें जो आपको 46 का हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, डाइनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, ठीक है, ये आपका उत्तर नंबर 3 सही है 46 का। 47 नंबर देखें, वह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाए जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है, तो 47 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो 3 नंबर, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। अब चलते हैं 48 नंबर पे, 48 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता है जा सकता, तो 48 का जो आपका उत्तर हो जाएगा 3 सही होगा, ठीक है। इसमें आपका प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार के परीक्षा का उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देख लेते हैं, वह 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जा रही है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा दोस्तों उत्तर ये 49 का हो जाएगा आपका 4 नंबर सही है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ कमेंट्स में बताएं आपको कैसे वीडियो लग रहे हैं, अगर क्वेश्चन आपके कोई आंसर गलत है तो आप हमें जरूर बताएं दोस्तों। अगला प्रश्न 50 नंबर, 50 नंबर प्रश्न दिया जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है, तो कौन सा दोस्तों, तो 50 का जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें 50 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है 50 का। अब अगला है 51 नंबर दोस्तों, यह गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है दोस्तों 51 में, तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो 51 में आपका 3 सही है दोस्तों, विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, ठीक है दोस्तों ये आपका हो जाएगा। और सौरदूत 50 का जो होगा, सौरदूत 50 का आपको बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, ठीक है दोस्तों ये आपका उत्तर सही होगा, 50 का 1 होगा, ठीक है। 49 का मैंने आपको बता ही दिया था कि 4 होगा, मार्गदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू। अब हम चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हम 52 क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए, तो 52 का जो हो जाएगा इसमें क्या पहचानना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, तुलनात्मक जमा, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अब 53 नंबर देखते हैं, 53 नंबर है हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं दोस्तों, तो 53 में आपका 3 नंबर सही नहीं है, इसमें इनमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न 54 नंबर वह देखते हैं, वह दिया गया है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए, तो 54 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्दा का विकास करना तथा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये आपका उत्तर होगा। अब 55 नंबर प्रश्न दोस्तों वह निम्नलिखित में से क्या गणितीय तरगणा का सूचक है, 55 में आपका जो उत्तर हो जाएगा 2, ये गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगता देने की क्षमता है, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं 55 व 56 नंबर, 56 नंबर प्रश्न देखें, इसमें सुपर बाजार सब्जियों के मूल्य दिया गया है, आप यहाँ देख लें, इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखें सारा प्रश्न दिया गया है, संजय ने 1/2 किलो टमाटर ये दिया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न दिखा देता हूँ, तो 56 का आपको उत्तर अगर आपने लगाया होगा 2 नंबर, तो आपका सही है 2 नंबर यानी कि 87.50 आएगा इसमें, ठीक है, रुपये वापस किए मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न उसे देखते हैं,
57 नंबर इसमें दिया है, मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ दहाई के स्थान पर, ये जो प्रश्न है आप सभी के लिए इसमें दिया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 57 नंबर का दिया हो जाएगा उत्तर, तो आपको 57 आपका उत्तर आएगा, ठीक है। इसमें अंकों का योग 3 और 4 गुणज, दहाई के स्थान पर अंक और दहाई इकाई के स्थान पर अंक क्रमित ये दिया गया है। अब चलते हैं 58 नंबर, 58 प्रश्न दोस्तों, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है, तो निम्न रूप से चित्रित की गई है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा दोस्तों दिखाता हूँ, ऑप्शन का ये ऑप्शन 150 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 150 आएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर, 59 नंबर है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी, तो कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी दोस्तों, 59 का हो जाएगा आपका, 59 में आपका जो उत्तर होगा वह होगा 3.7, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अब 60 में देखते हैं, 60 में है आपका प्रश्न, वह एक 5 अंकों की संख्या है दहाई के स्थान का 8, ये वाला जो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न आप देख लें, इसका जो आपका उत्तर बन रहा है वह बन रहा है 60,482, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 60,482, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ जिसमें